नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के जालंधर से आ रही है, जहां पंजाब में कोरोना वायरस से एक मरीज की मौत हो गई है। डॉक्टरों ने नवा शहर का रहने वाले इस मरीज की कोरोना से मौत की पुष्टि कर दी गई है। वह जालंधर के अस्पताल में भर्ती था। इससे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी ओर कोरोना के कारण दहशत के मद्देनजर पंजाब सरकार ने गुरुवार को बड़े फैसले किए हैं। जानकारी के अनुसार नवा शहर के गांव पठलावा के रहने वाले इस व्यक्ति को कोरोना के लक्षण दिखने पर जालंधर के सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर लाया गया था। वहां उसे घर में रहने और सावधानी बरतने की सलाह देकर भेज दिया गया था। वीरवार को उसकी मौत हो गई। इससे गाँव और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि वह हाल ही में इटली से आया था। उसके परिवार वालों को पीजीआई ले जाने की सूचना दे दी गई है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने का खतरा देखते हुए पंजाब कैबिनेट की बैठक में राज्य में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन भी बंद करने पर विचार किया गया है। शुक्रवार से पूरे राज्य में सरकारी और निजी बसों व ऑटो को संचालन बंद कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा को कहना है कि सरकार पंजाब में जल्द लॉकडाउन का फैसला ले सकती है। उधर बटाला में विदेशी से लौटे दंपत्ति के कोरोना से संक्रमित होने के कारण लक्षण मिले हैं। उनके नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। राज्य सरकार ने राज्य में सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद करने के भी आदेश दिए हैं। इसके अलावा पंजाब में सभी कमिश्नर, डीसी और एसएसपी को अपना स्टेशन ना छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में सभी मैरिज पैलेस, जिम, कोचिंग सेंटर, स्कूल और कॉलेज पहले ही बंद कर दिए जा चुके हैं। मंत्रियों की बैठक में इस बात पर भी फैसला लिया गया है कि लोगों को घरों में रहने के लिए तैयार करना होगा। इसके अलावा सचिवों और सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक कामकाज बंद कर दिए गए हैं। कल से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षा भी अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उधर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कोरोना के संदिग्ध मरीज ने अस्पताल की 7वीं फ्लोर से कूद कर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस का यह संदिग्ध 35 वर्षीय मरीज आज ही सिडनी से लौटा था, जिसके बाद उसे तुरंत सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया था। घटना को लेकर सफदरगंज अस्पताल के पीआरओ दिनेश नारायण ने कहा कि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि छत से कूदकर जान देने वाला मरीज कोरोना वायरस का मरीज था या नहीं। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि मरीज का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस उपायुक्त के डिफेंस आर्य ने कहा कि वह व्यक्ति पंजाब के शहीद भगत सिंह नजर जिले का था और पिछले एक साल से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रह रहा था। आर्य ने कहा कि एक नोडल अधिकारी ने बताया कि वह एयर इंडिया की उड़ान से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा और सिर में दर्द होने की शिकायत की, जिसके बाद उसे सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद उसे 7वीं मंजिल पर सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक में भर्ती करवाया गया था। अधिकारी ने कहा कि अस्पताल पहुंचने के कुछ ही मिनट के बाद उसने 7वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। बता दें कि दिल्ली में संक्रमण के अब तक 10 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से एक विदेशी शामिल है। वहीं देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा अब तक 150 से पार हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के अब तक के 151 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 25 विदेशी नागरिक शामिल है। गौरतलब है कि दुनिया भर में इस खतरनाक वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 8000 को पार कर गई है। वहीं कोरोना वायरस पर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि 22 मार्च से विदेशी विमानों के भारत आने पर रोक लगा दी गई, यानी 22 मार्च से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट भारत में लैंड नहीं करेगी। यहाँ से कोई फ्लाइट बाहर जा नहीं सकती। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को घरों के भीतर ही रहने के लिए राज्य सरकार एडवाइजरी जारी करेगी। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर ना जाने की सलाह दी गई है। सूत्रों के अनुसार रेलवे और नागरिक उड्डयन द्वारा छात्र, दिव्यांग और रोगी के श्रेणियों के यात्रियों को छोड़कर सभी छूट प्राप्त यात्राओं को निलंबित कर दिया गया है। सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे निजी क्षेत्र को कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देना सुनिश्चित करें। आधे केंद्रीय कर्मचारियों को घर से ही काम करना होगा। इस मामले में सरकार ने निर्णय लिया है कि बी और सी ग्रुप के सभी केंद्रीय कर्मचारी वैकल्पिक रूप से ऑफिस आए। रेलवे में करीब 200 ट्रेनें रद्द हैं। रेल टिकट पर मिलने वाले ज्यादातर कंसेशन या रियायत बंद कर दी गई हैं। एयर ट्रेवल पर मिलने वाले रियायत बंद कर दी गई हैं। उधर दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 31 मार्च तक दिल्ली के सभी रेस्टोरेंट को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 8 बजे कोरोना वायरस के संबंध में देश को संबोधित करेंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम मोदी देश को लॉकडाउन करने की घोषणा कर सकते हैं, मगर सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, यह मात्र एक अफवाह है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इस तरह के ऐलान की कोई संभावना नहीं है। कोरोना के कहर के चलते दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मार्च को रात को 8 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी क्या कुछ ऐसा खास ऐलान कर सकते हैं, क्या संदेश दे सकते हैं। दरअसल इस वक्त देश कोरोना के स्टेज 2 से गुजर रहा है। पहला स्टेज वो होता है जहां से वायरस का संक्रमण शुरू होता है। दूसरे स्टेज में वहां से संक्रमित व्यक्ति अपने घर देश में आता है। तीसरे स्टेज में स्थानीय स्तर पर एक से दूसरे में इसका प्रसार होता है और चौथे स्टेज में यह महामारी का रूप अख्तियार कर लेता है। इटली और चीन जैसे मुल्क चौथे स्टेज में है, भारत अभी दूसरे स्टेज में है। इस लिहाज से ही सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं कि इसको स्टेज 3 में जाने से रोकने के लिए पीएम मोदी कुछ बड़े ऐलान की घोषणा कर सकते हैं। उस स्थिति में कहा जा सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उत्तरी इटली फ्रांस की तरह पूरी तरह से गतिविधियों को धीमा करते हुए सबको घरों में रहने की सलाह दी जाए, ऑफिस के कामकाज को पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन इस तरह की अफवाहों पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी तेजी से बदले ताजा घटनाक्रम और इससे निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दे सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले बुधवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक की, जिसमें कोरोना वायरस से निपटने और इस बाबत तैयारियों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। इसमें जांच की सुविधा का विस्तार करने को लेकर भी बात कही गई है। गौरतलब है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हर रोज इसकी समीक्षा कर रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खतरे से लड़ने के लिए तंत्र और चाक चौबंद करने से व्यक्तियों, स्थानीय समुदाय और संगठनों की सक्रिय सहभागिता पर जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों से अगले कदम को लेकर विचार करने का भी आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने में जुटी राज्य सरकारों, मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ, सेना व अर्धसैनिक बलों के साथ अन्य सभी को शुक्रिया अदा किया है। सर, जिस तरह से अभी कोरोना फैलाव है, सर मैं इसके बारे में तरुण मदान समाचार एक्सप्रेस की तरफ से आपसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूं। सर, सरकारी अस्पताल में, जिला नागरिक अस्पताल में ऐसे रोगों से बचाव के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए हैं? अभी तक जिला नागरिक अस्पताल करनाल में हमने फ्लू के सस्पेक्टेड पेशेंट की अलग से ओपीडी का प्रबंध किया है, जिसमें पेशेंट की अलग से रजिस्ट्रेशन होती है और वहीं डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और उनको वहीं दवाइयां दे दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमें जिसमें कोरोना के सिम्टम लगते हैं या जिसकी कोई फॉरेन ट्रेवल की हिस्ट्री है पिछले कुछ दिनों में, 14 दिनों में, तो उन पेशेंट्स को उस फ्लू ओपीडी से हम आइसोलेट करके आइसोलेशन वार्ड में जरूरत पड़ने पर एडमिट करने का हमने प्रबंध किया हुआ है। हमने आइसोलेशन वार्ड में अभी 9 बेड का प्रबंध किया हुआ है, तो उन पेशेंट्स का अलग से इलाज करने का प्रबंध किया है। सर, ये जो 2 पेशेंट कल रात को भर्ती हुए हैं सिविल हॉस्पिटल में, इनके सैंपल भेज दिए गए हैं सर? हाँ जी, कल 2 पेशेंट हमारे एडमिट हुए थे जिनको हमने सैंपल कल ही भेज दिए थे। कल इनफैक्ट ये दिन में दाखिल हुए थे। कल एहतियातन ये पहले ही हमारे डिपार्टमेंट के फॉलोअप पर थे, जब से ये फॉरेंस अपने इटली से ट्रैवल करके आए थे, तो हमारा विभाग शुरू से इनसे कांटेक्ट में था और इनमें थोड़े से कुछ ऐसे लक्षण पाए जाने पर हमने एहतियातन इनको आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर लिया। दोनों के हमने सैंपल कल ही भेज दिए थे। वैसे दोनों पेशेंट स्टेबल हैं, कोई ऐसी दिक्कत की अभी कोई बात नहीं है। सर, अगर और कोई मरीज आता है तो उनके लिए व्यापक प्रबंध है हमारे पास? ऐसा है, हमने अपनी तरफ से पूरे प्रबंध किए हुए हैं, हमने भी किए हुए हैं। हमारे पास कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी प्रबंध किया हुआ है, उन्होंने भी आइसोलेशन वार्ड और अलग से फ्लू ओपीडी का प्रबंध किया हुआ है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो हमारा विभाग पूरी तरह से तैयार है। और सर, इसके अलावा जो मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि आप समाज से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें? मैं समाज से यह अपील करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस ठीक है, ये बीमारी है, एक महामारी का रूप ले चुकी है, लेकिन हमने इससे डरना नहीं है, तैयार रहना है। ऐसा नहीं है कि पैनिक नहीं क्रिएट करना, डरने से कुछ नहीं होता हमें, पर ऐसा भी नहीं है कि हमने निर्भय बन के कुछ जो जरूरी हिदायतों का पालन नहीं करना। अगर हम इसके लिए
कुछ छोटी छोटी सावधानियां बरतें, जैसे हम फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, बार बार हाथ धोएं, ना जरूरत होने पर जगह जगह ना चीजों को छुएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, ट्रैवल उतना ही करें जब बहुत जरूरी हो, अदरवाइज हम ट्रैवल ना करें, अपने घरों में ही रहें। कोशिश करें अगर दूसरे जहाँ भी भीड़ भाड़ वाली जगह अगर जाना भी पड़े तो कम से कम दूसरों से 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखें, और कोई खांसी जुकाम कुछ खांसता है छींकता है तो उससे दूरी बना के रखें। अगर खुद को खांसी जुकाम होता है तो कोशिश करें हम भीड़ भाड़ कई लोगों से मिलना जुलना कम करें, अपने मुंह पर मास्क वगैरह लगाएं, और अगर खांसी या छींक आती है तो ऐसे हाथ छींकने की बजाय हम ऐसे छींकें, उससे क्या है कि हमारे जो बाजू में जो लगेगा ना इन्फेक्टेड मटेरियल, जो भी कहते हैं ड्रॉपलेट्स वगैरह, उससे कहीं चांसेस कम होते हैं बीमारी के फैलने के। तो अगर कोई ऐसे लक्षण आते हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, तो हमें सबसे पहले अगर किसी को ऐसा शक है, किसी फॉरेन ट्रेवल की हिस्ट्री है, उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो 14 दिन अपने घर में ही रहे, बाहर मिलना जुलना बंद रखें। और किस तरह के लक्षण आते हैं या आपको भी लगता है कि आप किसी कॉन्टेक्ट में आए हैं, किसी वजह से आपको डर है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हैं, वहाँ आपको इस बारे में पूरी जानकारी जाएगी और यह भी समझाया जाएगा कि आपने हॉस्पिटल में किस तरीके से आना है। और अगर प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल में फ्लू ओपीडी में ही आने की कोशिश करें, जनरल ओपीडी के अंदर ना जाएं। सर, यही ये सबसे ऐसा जरूरी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक आदेश ये भी आया था कि बिन अननेसेसरी हॉस्पिटल के अंदर विजिट ना करें, अगर इमरजेंसी है तो ही आएं। ये वैसे भी जरूरी है कि अस्पताल के अंदर भी देखो वो दुनिया कई कई तरह के रोगी आते हैं। हमने ऐसी कोशिश कर अपने यहाँ पर जैसे फ्लू ओपीडी हमने अलग कर दी है, सिमिलरली हमने गायनी डिपार्टमेंट की भी ओपीडी और अपना उनकी डिस्पेंसिंग अलग कर दी है। हमारी भी ये कोशिश है कि हम यहाँ पर रश ना हो। दूसरा, हम एक और जो हमने यहाँ सावधानियाँ बरती हैं, हम बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पर सफाई करवाई जा रही है, सैनिटाइजेशन का प्रबंध हमने किया है, जो रेगुलरली हम पूरे हॉस्पिटल के एरियाज को, खासकर जिस एरियाज में पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो रेलिंग्स वगैरह, दीवारें, दरवाजे, दरवाजे के नॉब वगैरह, स्विच वगैरह की रेगुलर सफाई समय समय पर करवा रहे हैं, ताकि हम उसको इन्फेक्शन को फैलने से बचा सकें। ये सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, अदर इन्फेक्शन के लिए भी तो ये इसका फायदा है ना, सफाई का। थैंक्स अ लॉट सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.